Hello students, welcome to the channel YouTube Schooling. Today in this video we will discuss the topic of Social Study (SST) of class third. Lesson number twelve that is early humans. So in this lesson we will discuss early humans, their foods, tools and clothes of early humans and farming.

मॉडर्न फूड नहीं होता उनका फूड उनकी हैबिट्स उनके जो क्लॉथ्स होते हैं, उनके पास जो टूल्स होते हैं वो सब क्या थे डिफरेंट थे लेट्स सी कैसे थे हम देखेंगे पहले सबसे पहले हम देखेंगे उनका फूड ओके अर्लीस लिव इन फॉरेस्ट एंड केव्स पता है आपको पहले एंशियंट टाइम में लोग कहाँ रहते थे केव्स में रहते थे गुफा में रहते थे फॉरेस्ट में रहते थे जंगलों में दे एट रॉ फ्रूट्स ओके रॉ फ्रूट्स रूट्स सॉफ्ट स्टेम एंड दी फ्लैश ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सबसे पहले तो वो कच्चे फ्रूट्स खाते थे रूट्स को खा जाते थे कुछ प्लांट्स के कुछ कुछ सॉफ्ट स्टेम्स जो होती है प्लांट की उसको खाते थे और फ्लैश ऑफ दी वाइल्ड एनिमल ओके ऐट देक फूड एंड एट वॉट एवर वॉज अवेलेबल इन दी फॉरेस्ट उस वक्त उन्हें ये बात पता नहीं थी कि किस तरह खाने को बनाया जाता है और किस तरह से खाया जाता है तो जो भी जंगलों में फॉरेस्ट में उनको मिलता वो वही खा जाते ओके मैनी टाइम्स दे हैड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड और बहुत टाइम तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था फूड को ढूंढते हुए ओके दे आर सर्चिंग फूड लेट्स सी अबाउट द टूल्स अर्ली ह्यूमंस फेल्ट द नीड ऑफ टूल्स फॉर द पर्पज ऑफ हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स एंड फॉर डिंगिंग आउट प्लांट्स They used simple stones with sharp edges to hunt animals. क्या करते थे वो पत्थरों का यूज करते थे स्टोन का ओके शार्प स्टोन का हंट करने के लिए एनिमल्स को शिकार करने के लिए लेटर दे स्टार्टेड शेपिंग द सूट देयर परपजस अब उन्होंने फिर बाद में क्या किया पत्थरों को उन स्टोन को शेप देना स्टार्ट किया ओके यू कैन सी इन द पिक्चर्स ओके टूल्स ऑफ दी अर्ली ह्यूमन आप देख सकते हो पिक्चर में किस तरह से उन्होंने पत्थरों को बाद में शेप देना शुरू किया द फर्स्ट दैट द अर्ली दर्ली मेड वॉज अ क्लब ओके देन शार्पर वीपन वेर मेड विच इंक्लूडेड हैमर्स, चॉपर्स एंड एक्स हेड्स फिर बाद में शार्प शार्पर वीपन्स ओके जैसे कि उन्होंने हैमर्स बनाया चॉपर एक्स लेटर इट वॉज रियलाइज दैट इफ अ स्टोन वॉज टाइड टू अ लॉन्ग पीस ऑफ वुड बाद में उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अगर हम स्टोन को टाई कर देते हैं वुड की लंबी लकड़ी से तो इट कुड बी थ्रोन एट एनिमल फिर वो उसको फेंक भी सकते हैं एनिमल पे सो दिस हेल्प दम टू हंड एनिमल्स विदाउट गोइंग नियर दैम फिर उन्होंने ये सोचा इससे वो एनिमल के पास एनिमल से दूर रहकर भी उसका शिकार कर सकते हैं सिंस मोस्ट ऑफ द टूल्स वेर मेड ऑफ स्टोन्स दिस एज वॉज कॉल्ड बहुत सारी चीजें उनकी स्टोन से बनी हुई होती थी तो उस एज को क्या कहा गया है ओल्ड स्टोन एज ओके लेट्स कम फॉरवर्ड टू दॉपिक क्लॉथ्स अब देखेंगे ह्यूमंस ह्यूमंस। का कैसा था। in the beginning, early humans did not wear clothes. पहले नहीं पहनते थे टू प्रोटेक्ट दमसेल्स फ्रॉम द कोल्ड वेदर एंड द वाइल्ड एनिमल्स वो गुफाओं में केव्स में रहा करते थे एनिमल्स से बचने के लिए ओके okay? उन ओके okay, खुद को बचा कर रखते थे लेटर ऑन दे स्टार्टेड कवरिंग देयर बॉडी विद द स्किन ऑफ एनिमल्स फिर बाद में उन्होंने अपनी बॉडी को कवर करना स्टार्ट किया किससे कवर करते थे वो एनिमल की स्किन ओके okay? जो एनिमल की स्किन होती है ना उससे या फिर जो झाड़ के बार्क्स होते हैं ट्रीज के लीव से प्लांट के पत्तों के ओके okay? पत्तों से सो दिस हेल्प देम टू स्टे वार्म ड्यूरिंग दी विंटर ओके okay. इससे उनको गर्मी इससे उनको ज्यादा सर्दी भी नहीं होती थी विंटर में यू कैन सी इन द पिक्चर अर्ली ह्यूमन यूज लीव एज अ क्लोथिंग ओके नाउ डिस्कवरी ऑफ फायर अब देखेंगे हम फायर की डिस्कवरी कैसे हुई है आग की ओके अर्ली ह्यूमन्स एट प्लांट्स नट्स एंड रॉ फ्लैश वी नो दैट पहले जमाने में ह्यूमन क्या करते थे प्लांट्स को खाते थे नट्स को खाते थे रॉ फ्लैश खाते थे सो दे देयर फूड तो वो उनके फूड को कुक करते ही नहीं थे तो इन फैक्ट दे उन्हें पता भी नहीं था कि फायर एक्चुअली कैसे होता है सो वन डे स्ट्राइकिंग टू स्टोन टूगेदर दे अ स्पार्क कमिंग आउट एक दिन उन्होंने क्या किया दो पत्थरों को रब किया एक साथ स्ट्राइक किया तो उसमें उन्हें, उन्हें एक स्पार्क नजर आया ओके okay? सो दे टू द डिस्कवरी ऑफ फायर उसकी वजह से फिर उन्हें समझ में आया ओके ग्रेजुअली दे लर्न द एनिमल्स वेयर आ फ्रेड ऑफ इट बाद में उन्हें यह समझ में आया कि एनिमल्स इससे डरते हैं सो अर्ली ह्यूमन्स बिगन टू लाइट फायर एवरी नाइट आउटसाइड देयर केव्स टू कीप द वाइल्ड एनिमल्स अवे फिर उन्होंने ये सोचा कि हर रात में वो क्या करते थे आग लगाते थे केव्स के बाहर ओके जिससे एनिमल्स दूर रहते थे लेटर दे ऑल्सो यूज फायर टू कुक देयर फूड फिर बाद में उन्होंने उस फायर को कुकिंग के लिए भी यूज किया फायर बिकम मैं बेस्ट फ्रेंड और फायर फिर इस तरह से उनका बेस्ट फ्रेंड बन गया आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फायर अर्ली ह्यूमन्स मेड बेटर टूल्स टू किल एनिमल फिर जब फायर की डिस्कवरी हुई उसके बाद ह्यूमन्स ने क्या किया और भी अच्छे तरीके से टूल्स को बनाया एनिमल्स को खत्म करने के लिए किल करने के लिए ओके नाउ फार्मिंग द बिगनिंग बीइंग एबल टू ग्रो देयर ओन फूड वाज पीर द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ अर्ली यस अपना खुद का ओन फूड बनाना इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अर्ली ह्यूमंस राइट ना सो दे ऑब्जर्व दैटीडीन लेन इन टू अ प्लांट उन्होंने ये बात ऑब्जर्व की कि एक सीड जो है वो छोड़ दे अगर हम तो वो सॉइल में मिलकर बाद में उसी से प्लांट ग्रो होता है आफ्टर दीस दे बिगन टू प्लांट सीड टू अचीव सिमिलर रिजल्ट फिर उन्होंने बाद में ये देख कर वापस से सीड्स वैसे ही डाले सॉइल में छोड़ दिए तो फिर क्या हुआ

दे डिसाइडेड टू सेटल डाउन नियर रिवर वेयर द लैंड वॉज फरटाइल एंड बिगन ग्रोविंग देयर ओन फूड ओके फिर उन्होंने स्टार्ट किया क्या रिवर्स के पास रहना जहां का लैंड और जहां की सॉइल फर्टाइल हो ओके okay? और फिर उन्होंने उनका खुद का ओन फूड ग्रो करना स्टार्ट किया टेमिंग एनिमल्स आफ्टर लर्निंग द मेथड ऑफ फार्मिंग फार्मिंग के बाद उन्होंने क्या लर्न किया लेट्स सी अर्ली ह्यूमन स्टार्टेड टेमिंग एनिमल्स फिर उन्होंने एनिमल्स को टेमिंग एनिमल स्टार्ट किया डॉग वाज प्रेयर द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड लेटर अर्ली ह्यूमन्स डिमॉन्स डोमेस्टिकेटेड कॉज एंड गोड्स फिर उन्होंने एनिमल्स को अपने पास रखा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वॉज डन ओके फिर यहाँ से डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ एनिमल्स का

मिल्क के लिए मीट के लिए उन्हें डोमेस्टिकेट किया जाता था रखा जाता था बलॉक्स वेयर यूज फॉर प्रोलोंगिंग एंड फील्ड एंड कैरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हॉर्सेस फॉर राइडिंग ओके सेटल्ड लाइफ अर्ली ह्यूम सेटल डाउन एट वन प्लेस एक ही प्लेस पे सेटल होते थे दे बिकेम फार्मर एंड स्टार्टेड प्लगिंग द फील्ड फार्मिंग करना शुरू किया था उन्होंने और प्लगिंग करना स्टार्ट किया था फील्ड की दस अर्ली ह्यूमंस डेवलप्ड फ्रॉम फूड गैदर्ड टू फूड प्रोड्यूसर्स फिर उनमें डेवलपमेंट आया पहले फूड उन्होंने गैदर किया फिर बाद में उन्होंने फूड को प्रोड्यूस किया आफ्टर लर्निंग द आर्ट ऑफ फार्मिंग फार्मिंग सीखने के बाद अर्ली ह्यूमंस बिल्ड शेल्टर्स विद बंबूज फिर उन्होंने क्या किया ह्यूमंस ने घरों को शेल्टर्स को बनाना स्टार्ट किया विद दी हेल्प ऑफ बम्बू स्टोन एंड स्किन ऑफ एनिमल्स फॉर दम सेल्फ स्टोन का यूज करके दूसरे एनिमल की जो स्किन होती है उसको यूज करके बम्बू का यूज करके प्लांट्स का यूज करके उन्होंने शेल्टर बनाना स्टार्ट किया एंड सेटल लाइफ स्टाइल लेड टू द राइज ऑफ विलेज एंड कम्युनिटी फिर वो जो सेटल लाइफ स्टाइल थी उससे क्या हुआ एक विलेज बना सेटल लाइफ okay? उनको थोड़ा इंटरटेनमेंट का भी प्रोवाइड करती थी वो एक जगह बैठ के थोड़ा इंटरटेन भी करते थे डांसिंग सिंगिंग स्टोरी टेलिंग एंड पेंटिंग ऑन केव वॉल्स वेर द मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, अर्ली ह्यूमन यूज टू ड्रॉ फिगर्स ऑफ एनिमल्स और सेंस ऑफ हंटिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ केव पहले के जमाने में ह्यूमन्स क्या करते थे ड्रॉ करते थे एनिमल्स की फिगर्स को ओके ऑन द केव वॉल्स ऑफ द केव केव पेंटिंग्स है बाद केव पेंटिंग का क्या हुआ डिस्कवरी हुई इन मेनी पार्ट ऑफ दी वर्ल्ड सो बिम्बिक का इन मध्य प्रदेश इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग इन इंडिया मध्य प्रदेश में एक बिंबिक्रा नाम की बिंबित ने एक पेंटिंग है प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग है इंडिया की ट्रांसपोर्टेशन देन अर्ली ह्यूम मेड देर हाउस नियर रिवर एंड लेक सो दैट दे कुली गेट वाटर टू कुक

फ्लोट करती है डूबती नहीं है तो उन्हें ये बात समझ में आ गई कि इससे हम एक बोट तैयार कर सकते हैं जिससे हम समुद्र को पार करके जा सकते हैं सो द वॉटर ट्रांसपोर्टेशन मेट ट्रजी फॉर अर्ली नहीं इसके लिए उन्हें बहुत ईजी हो गया इन्वेंशन ऑफ द व्हील फिर उन्होंने इन्वेंशन किया व्हील का ट्रैवलिंग ऑन द लैंड वॉज वेरी डिफिकल्ट लैंड के ऊपर ट्रैवल करना उन्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा so early humans made sledges on which they placed the load and pulled it themselves फिर उन्होंने एक sledges बनाना prepare करना शुरू किया later they tamed animals to pull the sledges उस sledges को उन्होंने क्या किया animal से लगा दिया okay तो animal उसको खींच के लेके जाते थे but it was very difficult to pull the sledge over the rough and uneven ground लेकिन वो अगर रफ ग्राउंड होता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जाता था सो द दिस टास्क बिकेम इजियर वेन दे रियलाइज दैट द ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज प्लेस अंडर अ स्लेज कुड बी मेक मूवमेंट ऑफ अ स्लेज स्मूदर एंड ईजियर सो दे कट स्मॉल राउंड ब्लॉक्स ऑफ वूट एंड प्लेस दम अंडर द स्लेज This led to the invention of wheel, okay? Take the correct options. Early humans live in pakka houses? No. Number 2, early humans settle on the near the bank of river and began to grow food? Yes. Number 3, early humans tamed animal to pull sledges? Yes, true. इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्टू यूज ऑफ व्हील द इन्वेंशन ऑफ व्हील मेड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड फ्रॉम वन प्लेस टू एनअर ईजी अब व्हील के इन्वें इन्वेंशन के बाद क्या हुआ ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ओके okay? कार्ड्स वेर इन्वेंटेड एंड एनिमल्स एंड यूज टू पुलिस और यूज किया गया एनिमलिंग हो गई ट्रेवलिंग भी ईजी और फास्ट हो गई द व्हील्स वॉज ऑल्सो यूज फॉर वेरियस अदर परपज और व्हील्स को बहुत अलग अलग चीजों के लिए भी यूज किया गया लेटर ऑन अर्ली ह्यूमस इन्वेंटेड द पॉटर व्हील फिर बाद में पॉटर व्हील्स भी प्रीपेय हुए इट वॉज यूज फॉर मेकिंग पॉट्स विथ क्ले यस जो मिट्टी के क्ले के जो पॉट्स बनाए जाते थे उसके लिए भी यूज किया गया व्हील्स ऑल्सो केम टू बी यूज फॉर स्पिनिंग एंड व्हीविंग स्पिनिंग के लिए व्हीविंग के लिए भी ल्स का यूज किया गया द इन्वेंशन ऑफ व्हील कंप्लीटली चेंज द लाइफ ऑफ दर्ूम वो उस व्हील को इन्वेंट invent करना इन्वेंशन ऑफ दट व्हील क्या किया उनकी लाइफ बदल दी उसने ओके नाउ आई नो दिसिक समरी ऑफ द लेसन अर्ली ह्यूमन फॉर ऑब्जर्वेशन डिस्कवरी डिस्कवर्ड द आर्ट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप ओके अर्ली ह्यूमन ने क्या किया ऑब्जर्व किया और फिर बाद में उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया डॉग्स वॉज एनिमल टू बी टेम्ड बाय अर्ली ह्यूमन डॉग ये पहला एनिमल है जो अर्ली ह्यूमन ने उनको टेम करना शुरू किया डिस्कवरी ऑफ फायर चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन आग का डिस्कवरी होना निकलना सबसे ज्यादा बड़ा चेंज माना जाता है अर्ली ह्यूमन में ओके एट दैट टाइम अर्ली ह्यूमन यूज स्लेजिस टू तो कैरी हैवी लोड्स ओवर द लैंड बिफोर दे इन्वेंटेड द व्हील व्हील इन्वेंट करने से पहले अर्ली ह्यूमस ने क्या किया स्लेजेस को यूज किया उसके ऊपर बड़ा बड़ा हेवी लोड रख करके एक जगह से दूसरी तरफ ले जाने के लिए द इन्वेंशन ऑफ व्हील वॉज अ माइल्ड स्टोन इन द प्रोग्रेस ऑफ अर्ली ह्यूमन्स ओके मेकिंग पॉटरी बिकेम इजियर विद द इन्वेंशन ऑफ द पॉटर्स व्हील